कहाँ से आ रहे हैं आप? हम इलाहाबाद से आ रहे हैं। माइक पास करिए। इलाहाबाद से। यहाँ का पता कैसे मिला आपको? यूट्यूब के जरिए। पहली बार आ रहे हैं? दूसरी बार। दूसरी बार आए हैं। पहली बार काम करा के गए हैं? किसका? दोनों लोग। अच्छा, तो कुछ फ़ायदा हुआ है पहले से अभी तक? ये था उस टाइम, अभी फिर निकला है। उस टाइम ये था, अभी इससे ही बात करते हैं कि कौन था, ये था कि कोई और था? इमाम जी, ये था, यही पूछते हैं अभी। हाजिर कराते हैं, 50-50% चांस रहता है हाजिर के लिए। हाजिर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। हाजिर हो गया अभी। क्या नाम है तुम्हारा? बता तो रहे थे, हमारा नाम इमामुद्दीन है, इसके साथ हमारी शादी हुई है। अच्छा, आप कैसे मर गए थे? मर गए, बीमारी आ गई, औरत बीमारी थी, दवा नहीं किए, मर गए। अच्छा, तो कब कब इंतकाल हुआ है आपका? इंतकाल हो गया 35 साल। 35 साल पहले? अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी करीबन 20-25। कितनी उम्र है? 20-25। 20-25 क्या? मतलब इतना अपना जिए जीते हैं। अभी कितनी उम्र है आपकी? उम्र है 70 साल। 70। 70 साल के करीब। इनको क्या क्या दिक्कत दे रहे हैं आप? इनको दिक्कत यही था, जब हमारा जी चाहते आते हैं, इसको बेहोश करते हैं। ये तो आपकी वाइफ है ना, पत्नी है ना आपकी, तो इसी वजह से आते हैं ना, अपने पत्नी की देखने आते हैं। तो परेशानी क्यों देते हैं तब, बेहोश क्यों करते हैं? तो हमारी मर्जी है। कोई करवाता है ये चीज या खुद से करते हैं आप? मत पूछो। कौन करवाता है ये सब चीज? आप कुछ पढ़े लिखे थे? कुछ पढ़े लिखे थे आप? साइन वाइन करते थे अपनी? नहीं। नाम लिखते थे अपना? नहीं। पढ़े लिखे नहीं थे? नहीं। पढ़े लिखे नहीं थे? नाम लिखे नहीं पढ़े? हम लोग नहीं जानते। हमारी मम्मी की दूसरी शादी से हम लोग हैं। अच्छा, वो पहली शादी से ये थे? अच्छा, तो कोई भेजा है आपको, कोई ये सब इनको परेशान करने के लिए कोई भेजा है या खुद से आए हैं? ये है, इनकी बहन है, इनका भाई है, सब साथ कुछ है। सब लोग हैं साथ। आपके साथ कौन कौन है? हमारी बहन, हमारी भाई, सब कोई है। तीन लोग। इससे पहले आप लोग कहाँ पे थे? कभी हाजिर हुए हैं इनके ऊपर? बता रहे हैं ना, 35 साल हुआ। कभी हाजिर हुए हैं आप इनके ऊपर? हाजिर हमेशा। इससे पहले ये इलाज करा के जा चुकी हैं? ऊपर का करवा चुकी हैं? तो उस समय का इनके ऊपर के जो थे उस समय कहाँ थे सब? अभी कहाँ हैं वो सब ऊपर वाले? बोल रहे हैं ना, तीन लोग हैं हम लोग। बस तीन लोग बचे हुए हैं? तो उस समय जब ये ऊपर के काम करवा रही थी तो उस समय आप लोग कहाँ थे? तब हम 5 लोग थे। अभी वो दो कहाँ गए और? वो दो अपने स्थान पे गए। कहाँ स्थान पे गए? कहाँ स्थान पे गए? बताओ बताओ, कहाँ स्थान पे गए वो दो? बलीपुरा। और आप कैसे बच गए? बच गए, बताइए कैसे बच गए? भाग गए थे? इससे पहले भाग गए थे आप लोग? हाँ। तीनों लोग मिलके दिक्कत दे रहे हैं इनको? दिक्कत तीनों लोग देते थे। क्या दुश्मनी है आप लोग की इनसे? दुश्मनी इसकी नहीं थी, इसके बाद किससे दुश्मनी थी तब? हमारे वाइफ से दुश्मनी थी। आपके वाइफ से आपकी दुश्मनी थी? क्या दुश्मनी थी? हमसे नहीं दुश्मनी थी। तो किससे दुश्मनी थी? हमारे घर वाले से। आपके घर वाले से थी? किस चीज की दुश्मनी थी? किस चीज़ की दुश्मनी थी आपके घर वालों की इनसे? छोड़ाना चाहते थे इसका लड़का, मगर नहीं छोड़ पा रही हूँ इसी वजह से। इनका लड़का छोड़ाना चाहते थे वो लोग, आपके घर वाले, लेकिन ये नहीं छोड़ रही थी? नहीं। इसी वजह से?
तो ये आपको करके कौन भेजा इनके ऊपर? एक बहन भाई मिलके हमको भेजते हैं हमारे। वो करते हैं खुद है। वो खुद करते हैं हाँ। क्या नाम है उनका? उनका नाम इलियास आसिया। वो कब कब से करते हैं वो? वो अभी जिंदा हैं? उनको बुलाइए, जाइए बोलिए बाबा जी बुला रहे हैं उनको तुरंत। इलियास को भेजिए तुरंत। मैं आई। और कुछ पूछना है आपको? ये दो दो जो चले गए हैं उनको बुला, ये जो जो साथ में है सब लोग वहाँ हैं यहाँ पे नहीं है। वो जो आपके भाई और आपकी बहन जो साथ में है वो कहाँ है? उनको बुलाइए सामने, लाइए अपने भाई को लाइए सामने। बहुत नाबालिग है हमारा भाई, बहुत नाबालिग था। उनको बुलाइए सामने, बातचीत करना है उससे। वो बच्चा था ना ही बोलेगा। तो अभी जो आ रहे थे तो मुख्तार उख्तार को जो बता रहे थे वो कौन, वो साथ में है? और वो जो आपकी बहन है वो साथ में, वो बोलेगी उसको बुलाइए सामने। ये लोग आपका पूरा शरीर खराब कर गए, बीमारी बना के कहीं ये बिरादर कहीं पेड़ एक बार शरीर को बहुत तकलीफ। नाम? आफिया। आफिया कैसे मर गई थी? ससुर वाले जला के मार डाले। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे? उनसे उनकी दुश्मनी थी कोई जला के मार दिए? उनको मैं पसंद नहीं थी। बच्चे थे तुम्हारे? नहीं। पति क्या करता था? टंकी में काम करता था। कहाँ पे? पानी टंकी में काम करता था। इनको कब से पकड़े हो? पकड़े हो कि कोई पकड़वाया है? कौन पकड़वाए बताओ? मेरी बहन। उनको लेके आओ, बोलो बाबा जी बुला रहे हैं। अच्छा ये बीच बीच में उनको लेके आओ तुरंत, बोलो बाबा जी बुला रहे हैं। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे वो लोग, नहीं आएंगे। वो खुद करते हैं कि करवाते हैं? जैसे रस कराते हैं। करते नहीं है? नहीं। तो इससे पहले तो झूठ बोले हो कि करते हैं। पहले वाला झूठ बोला था, करवाते हैं। तभी तो कह रहे कि कैसे नहीं आ पाएंगे जब वो करवाते हैं। क्या दुश्मनी है उनकी इनसे? उनकी दुश्मनी बहुत बड़ी थी। किस चीज की दुश्मनी थी? दुश्मनी थी कि छोड़ दे अपना घर द्वार, अपना बेटा छोड़ दे, मगर ये नहीं छोड़ रही। अच्छा वही दुश्मनी थी। ऐसे लोग कहेंगे ऐसा कुछ करो छोड़ दे, फिर भी नहीं छोड़ी। इनको करके कौन खिलाया था? इनको करके कौन खिलाया था? इनको करके कौन खिलाया था? क्या नाम है उनका? उनका नाम क्या है? सालिया। सालिया नाम रखना या डीप कर देना वीडियो में? सब रहेगा। उसके बच्चे कितने हैं? सालिया के बच्चे कितने हैं? दो लड़का एक लड़की। दो लड़का एक लड़की। उसका पति क्या करता है? सऊदी में। क्या दुश्मनी थी उसकी इनसे? बहुत देर पे जगह थी, मेरे घर जाएगी देख के जल रही थी। बहुत और बोलती बोलती है। और क्या बात करनी थी? दो जो चले गए अपने से तो उनको बुला दिया। जो दो भाग गए बलीपुर गांव में, ऊपर के मरवा चुके हैं ना? नहीं वो नहीं आएंगे। ऊपर के मरवा चुके हैं ना? ऊपर वाले इनके कहाँ गए? वही नहीं है। हैं?
कोई नहीं है, घर वालों ने बाहर वाला कोई नहीं है, तीन लोग हैं, सब कोई गया अभी, इनका टोकन दीजिए। इसको देखने वाले बहुत बड़े बड़े वाले हैं। चार बचे हैं अभी, और कुछ बात करना है? क्या पूछना था? क्या बोल रहे थे, क्या पूछना था? वो इसको देखते हैं, हमारा भौजाई बहुत बड़े बड़े वाली देखते हैं, इसी वजह से बची थी, नहीं अब हम चाहते थे मर जाए। अच्छा, तो तुम लोग से ये सब काम कौन करवा रहा था? उन्हीं लोग बोल रहे हैं ना, कई दाई बोले, अब कई दाई बोले, अब नहीं बोलेंगे। पट्टी खोल दीजिए। इधर देखिए, दोनों हाथ अलग अलग करके सामने, हाथ अलग अलग, हाथ अलग अलग करो। ये सब बीमारी इनको कौन दिया है? बीमारी इसके कोई नहीं है। शरीर में दर्द बता रहे हैं, मेरे भौजाई की बीमारी कुछ नहीं है। शरीर में दर्द कौन देता है? हम ही लोग के दर्द रहता है, हम ही लोग रहते हैं। तुम लोग को दर्द रहता है, तुम लोग अपनी दर्द इनको देते हो। यहाँ तक गांठ और सब बना दिए हैं। गांठ वाट कौन बनाया है? दर्द बहुत रहता था, गांठ और सब खाना नहीं खा पाते थे। वही बीमारी तुम इनको दे रहे हो? हाँ, जोर की गलती माना था, या बाज के बाद हमको पता लगता है। अब जाओ ऊपर, अब तुम इधर देखो, सब लोग साथ में जाओ। आगे करो, इनको आगे करो, चल भाग चिता पे, तुरंत छोड़ दो, चल भाग चिता पे, इसको जलने के लिए डाल दीजिए, जलने के लिए। कहाँ से आ रही हैं आप? माइक आगे करी। क्या हुआ था अभी, कुछ याद है आपको? कुछ नहीं याद है अभी? कोई आया था, बातचीत हुई है? हम कब आए यहाँ? हम नहीं आए, हम यहाँ कब आए? आप यहाँ कब आई हैं? आपको याद नहीं है कुछ? नहीं। आपके साथ जो था आपके ऊपर, वो आया है आपके साथ, वो चला गया ऊपर। कौन किया है आपको, कौन था आपके, सब बताया है वो। आपको पहले कोई हस्बैंड थे आपके, कोई पहले शौहर थे आपके? हाँ। वो भी थे साथ में आपको, वही दिक्कत दे रहे थे, उनकी बहन थी, उनका भाई था, सब थे, चले गए सब आज ऊपर। पहली बार आप आई थी तो कुछ फ़ायदा हुआ था? हाँ। इससे पहले जब एक बार आ चुकी हैं तो कुछ फ़ायदा हुआ था आपको? फायदा, कितना फ़ायदा हुआ था 100 में? अठन्नी फ़ायदा हुआ था, 50%। थोड़ा बहुत खाना पीना खाए लगे, सही से। अब जो 50 बचा हुआ है अंदर के ऊपर आए हैं, वो आज ख़त्म हो गया, अब आज से इंशाल्लाह 100% हो गया है। ठीक है, जाइए। कितने फ़ोन करके पूछते हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्यौहार चल रहा है, आज क्या है, ईद है, ईद है ना। कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद, बकरीद, मुहर्रम, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है, जनता आए और चाहे ना आए। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ, कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलेक्ट कर देता हूँ, जा भाई और सब पे हाजिर हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है, तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फोन ही पे उनको डिलीट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास दो ऑप्शन है, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूँ नहीं होगा,
अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते, तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं। अरे गलती हो गया, यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है, अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो? मालिक पे। हो जाता है, हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का, बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें, आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेकूफ लोग, तो जल्दी फोन उठ गया तो आपको बोलना है ना हेलो कि हमें बोलना है? हाँ तो यही गलत है ना, हम तो यहां तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहां कहां से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो, भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है, मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे। सही है ना, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर, सूरजपुर भटगांव, सूरजपुर से आया था, और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हो। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, तो नहीं टाइम जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूं या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं, या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें, यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देखते यहाँ आए। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है, आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है दो दिन, गुरुवार और रविवार दो दिन, 9 बजे खुला, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च।
विदेशियों के लिए भर्तियान पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट: इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वा भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए। यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है, इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट: 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।